बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम करते हैं हम ब्यूटीफुल गार्डन में। तो आज की हमारी वीडियो है डेलिया फ्लावर पे, इंडियन डेलिया भी इसको कहा जाता है। तो आज हम आपको पार्ट टू है इसका, तो हम आपको बताएंगे ये इसमें क्या क्या हमें गार्डन सोयल डालनी चाहिए, कितनी और कितनी आपको पत्ते की खाद डालनी चाहिए और ऑर्गेनिक खाद कितनी डालनी चाहिए। आपने करना ये है कि आपने 30% आपने गार्डन सोयल लेनी है आपने, ये जितनी भी आपने जितने हिसाब से आपने गमले अपने अपने कवर करने हैं, लगाने हैं। मेरे पास टोटल 12 गमले हैं, तो ये 12 इंच का पॉट है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने 30% गार्डन सोयल लेनी है, ठीक है। अच्छे से इसको ब्रीक करना है, इसमें से कोई पत्थर ये वो, ये हमारी कुछ पुरानी मिट्टी थी वो हमने लिए, और इसके बाद हमने कोई नई मिट्टी इसके अंदर ऐड की है। ये देखें गार्डन ग्रीन ऑर्गेनिक खाद है, ये आपने 20% डालनी, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी। कि आपने ये ज़्यादा खाद डालेंगे तो ये आपके प्लांट बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल प्लांट हैं, छोटे हैं। तो ये आपने ना ऐसे, ये ब्लैक होती है ऐसे बिल्कुल बारीक, ये प्लांट पर तैयार होती है, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल मतलब कि ना फ्रेश होती है, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद देखिए ना, आपने इसको बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपने डालनी 20% से ज़्यादा आपने खाद नहीं डालनी, अगर आप डालेंगे तो आपके प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो तीसरे नंबर पर बात करते हैं हमारी पत्ते की खाद। ये पत्ते की खाद बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, इसका काम यही होता है कि इसने ना पौधे को ज़मीन अंदर से मिट्टी नरम रखनी है, और जड़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, और बहुत वो प्लांट जो होता है वो हैप्पी रहता है इसमें। तो आपने इसको ये करना होगा कि आपने आपने 50% या आपने 40% तो लाजमी मतलब कि पत्ते की खाद डालनी है। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, ये कोई 600-700-800 की मिल जाती है बासानी, तो आपके काफ़ी ज़्यादा गमले कवर हो जाएंगे। तो आपने ये पत्ते की खाद, गार्डन सोयल, और आपने ये आप जितने मैंने आपको मकदार बताई आपने इतनी ही रखनी है, ये आपने ज़्यादा या कम नहीं करनी। तो इसमें आपने कोई NPK या आपको कह देता है जी DAP खाद आपने डालनी है, या आपने कोई चीज़ भी नहीं डालनी। ये जो आपको मैंने बता दिया है ये तरीका, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। नर्सरी वाले भी ये यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ से प्लांट लेके आते हैं तो कहते हैं जी ये यहाँ के प्लांट मतलब कि हमारे बहुत अच्छे वहाँ पर थे, तो अभी यहाँ पर हम घर लेके आए तो प्लांट ख़राब होना चाहिए। यही मसला होता है कि हम मिट्टी में कोई मसला आ जाता है तो वो फिर ना हमारे प्लांट यहाँ पर आके ख़राब हो जाते हैं। तो आपने यही करना है कि आपने इतनी 30% ये गार्डन सोयल, और बाकी दूसरी 20% ऑर्गेनिक खाद, और दूसरे और हम अब आपको ये मिक्स करने का बताएंगे कि आपने ऐसे नहीं करना कि आपने अलग अलग से चीज़ें फेंक देनी, आपने खाद डालनी इसके ऊपर लाजमी, पत्ते की खाद डालनी है, तो फिर आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से। तो फिर ये ना मतलब कि जाकर हमारा अपना मतलब कि सही ज़बरदस्त जो काम है ना पूरा होगा जाके। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने अपने वो 12 जो प्लांट थे हमारे डेलिया के, तो वो हमने मतलब कि इसमें लगा दिए हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमने, और आपने इनको ज़्यादा दबाना नहीं है, आपने मतलब कि प्रॉपर आपको इसको ऐसे ही रखना है कि ज़्यादा दबाएंगे तो इसकी जड़ नीचे चलेगी। और आपने 3 से 4 दिन बाद क्या काम करना है वो मैं आपको बताऊँगा। आपने ऊपर से इसकी प्रूनिंग करनी है, ज़रा सी ऊपर से यहाँ से उतार देनी है। आपने उतारेंगे तो अभी नहीं मतलब कि 2-3 दिन 4 दिन तक ना ये अपना अपनी जड़ आगे मतलब कि चलाना शुरू कर देगा। तो आपने ये करना यही है कि आपने इसको
प्रॉपर आपने इसको कटिंग ऊपर से हल्की सी कर देनी है, तो ये फिर नीचे से ज़्यादा शाखें निकालना शुरू कर देगा। 2 से 3 दिन आपने इसको धूप में नहीं रखना, फिर आप मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं रखता कहाँ पे हूँ। वह अपने फुल धूप में इसको रखना है, जहाँ पे धूप काफ़ी टाइम आती हो, 4 से 5 घंटे धूप आती हो, वहाँ पे आपने इसको रखना है। अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन मैंने आज लगा दिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं डेलिया फ्लावर, डेलिया फ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, घर में हो घर की को बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ती है, और अगर आप खुद तैयार ये करती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बाहर से आपको 500 से 600 का एक प्लांट मिलेगा, उस पर 1 या 2 फूल होंगे। अगर आप घर पर मदर प्लांट सेव करके इनको